एक व्यूअर ने पूछा है कि नथिंग सॉर्ट ऑफ क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि मैंने बहुत पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था नथिंग लेस देन, और जहां मैंने आपको सिखाया था कोई एक चीज दूसरे से कम नहीं है, यानी कोई एक नाउन दूसरे के जैसा ही है या दूसरे के बराबर है। तो जहां आप इस्तेमाल करते हैं नथिंग लेस देन, वहीं पर आप बोलते हैं नथिंग सॉर्ट ऑफ। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो तुम्हारी ताने जहर से कम नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर टॉन्टिंग इज नथिंग सॉर्ट ऑफ पॉइजन, यानी तुम्हारी ताने जहर से कम नहीं है। आप इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं योर टॉन्टिंग इज नथिंग लेस देन पॉइजन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे इजारम या वॉजवर। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे इजारम, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप लिखेंगे वॉजवर। उसके बाद आप लिखेंगे नथिंग सॉर्ट ऑफ या नथिंग लेस देन, यानी इन दोनों में से जो आपको ज्यादा इजी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे एक नाउन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो यह जंग यानी यह वॉर क़यामत से कम नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस वॉर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ डूम। आप ये भी कह सकते हैं दिस वॉर इज नथिंग लेस देन डूम, यानी यह जंग या यह लड़ाई क़यामत से कम नहीं है। अगर आपको कहना हो आपका हुनर यानी आपका टैलेंट किसी दूसरे से कम नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर टैलेंट इज नथिंग सॉर्ट ऑफ एनीवन। आप ये भी कह सकते हैं योर टैलेंट इज नथिंग लेस देन एनीवन, यानी आपका हुनर किसी दूसरे से कम नहीं है। अगर आपको कहना हो यह मौत से कम नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज नथिंग सॉर्ट ऑफ डेथ। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज नथिंग लेस देन डेथ, यानी यह मौत से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक्स आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया, कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें कोई एक नाउन दूसरे से कम नहीं है, यानी कोई एक नाउन दूसरे के ही बराबर है। यहाँ मैं बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए।